हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। मैं आपके लिए लेकर आई हूं बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट, जो कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट है। इसका मैंने एक सीरीज़ मैंने अभी एक पिछले वीडियो में मैंने कम्प्लीट किया है, जिसमें मैंने 45 क्वेश्चन करवाए थे। उसके आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आगे सॉल्व करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। हम इस वीडियो को शुरू कर 46 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम, इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 5 है, फैमिली सोलेनेशी, किंगडम। बी का है 4, प्लेंटी, एंड ऑर्डर सी, ऑर्डर का हो जाएगा सी का है 2, पॉलीमोनियल्स स्पीसीज। डी का है 1, ट्यूबेरोसम, एंड लास्ट जीनस का यहाँ पे हो जाएगा 3, सोलेनम। क्वेश्चन नंबर 47, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑप्शन ए, स्पीसीज। 48, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेज ऑन ऑप्शन बी, रिप्रोडक्टिव और आइसोलेशन। 49, द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर टर्म्ड, आंसर होगा इसका बी, एलोपैट्रिक। 50 क्वेश्चन, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज दैट लिव इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एलोपैट्रिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 51, रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड, ऑप्शन ए, सिबलिंग। जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ऐसे जो स्पीसीज होते हैं इस कॉल्ड सिबलिंग। 52 क्वेश्चन नंबर है, म्यूल इज अ प्रोडक्ट ऑफ, म्यूल जो होता है ये किसका प्रोडक्ट होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। 53 क्वेश्चन है, अ स्पीसीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, ऑप्शन ए, एलोपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीसीज, व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ स्पीसीज विच मेक अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी येट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 55, अ साइंटिस्ट हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड प्रपोज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड क्वाड्रोपॉड इज, 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन रे। क्वेश्चन नंबर 56, द टू किंगडम सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाई 5 किंगडम इन द ईयर, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1969। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज, आंसर होगा इसका ऑप्शन 57 का ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिशन। द मेन बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रिशन। 58 क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, ऑप्शन नंबर बी, दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 58 का होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। 59 क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। 59 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
assertion एंड रीजन पर बेस्ड है. इसका डायरेक्शन है 60 से 63 क्वेश्चन, 60, 61, 62, 63 चार क्वेश्चन इसमें assertion और रीजन वाले हैं, जिसमें ये कुछ सीरीज में है. इसमें डायरेक्शन दिया गया है, इसको हम रीड करते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ assertion इज गिवन फॉरवर्ड बाय अ करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन जस्ट बिलो इट ऑफ द स्टेटमेंट. मार्क द करेक्ट आंसर एज. अगर ऑप्शन अगर आंसर ए होगा तो इसका मतलब होगा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अगर बी होगा आंसर तो इसका मीन्स होगा बोथ assertion एंड reasons आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ऑप्शन सी का होगा assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. एंड डी का होगा बोथ assertion एंड reasons आर फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर 60 का assertion है ऑस्मो रेगुलेटर्स मस्ट डिस्चार्ज वाटर व्हेन दे लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. इसका रीजन दिया गया है एनिमल्स whose body fluids are not isotonic with the outside environment are called osmoregulator. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 60 का दिया हुआ है आंसर बी. Both assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation of assertion. इसमें 60 नंबर क्वेश्चन में assertion और reason दोनों सही दिया गया है, but reason is not correct explanation of assertion. क्वेश्चन नंबर 61 assertion में है ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव टू और मोर नेम एंड रीजन है नेम शुड बी शॉर्ट पीसेस एंड ईजी टू प्रोनाउंस. इसका आंसर होगा 61 का ऑप्शन नंबर डी, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स. 62 क्वेश्चन है assertion बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड नेचुरल अफिनिटीज. रीजन ऑफ दिस assertion इज बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम. इसका होगा ऑप्शन 62 का ऑप्शन नंबर सी. 62 का होगा ऑप्शन नंबर सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. 62 का रीजन जो है ये ट्रू है बट assertion है इसका फॉल्स. 63 का होगा assertion यूग्लिना इज अ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इसका रीजन है यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम. 63 में assertion और reason both are true but reason is not correct explanation of assertion. 64 question match the following column. again इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच कराना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए 64 का तो इसमें है कार्ल वोजेस. ए का हो जाएगा कार्ल वोजेस का थर्ड सिक्स किंगडम सिस्टम. फंजाई फंजाई का होगा बी का फर्स्ट यूकैरियोटिक. सी मोनेरा का सेकंड है प्रोकैरियोटिक. एंड ट्यूनिकेट डी का हो जाएगा फाइव एनिमल्स हैविंग सेलुलोज. सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 64 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था. सो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.